दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर दुकानदार से हजारों की लूट। पिछले लंबे समय से जिला रेवाड़ी में आम जनता से हो रही लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज दिन दहाड़े घर से अपनी दुकान पर जा रही कार सवार दुकानदार से 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 9 बदमाशों ने कार रुकवाकर रिवाल्वर की नोक पर 22,000 की नकदी और उसका मोबाइल फोन लूट कर ले गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पूरी घटना औद्योगिक कस्बा बावल की अनाज मंडी से लगते औद्योगिक इलाके की बताई जा रही है। ये अभी अपने बावल में अनाज मंडी के पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ एक वारदात अभी हुई है। ये भाई हैं जो तिवाड़िया मोहल्ले से और अपने आते हैं अपनी शॉप के ऊपर, तो इनसे अभी कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग थे, उन्होंने पैसे और मोबाइल इनसे छीना है। तो उसमें अभी इनका लेके इन्फॉर्मेशन और SHO कसोल्ला, SHO बावल, CIA रेवाड़ी, CIA धारवाड़ा, सारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी ही करेंगे इसमें कुछ। आगे क्या रणनीति रहेगी? कोई अभी से एक बार CCTV कैमरे और लोकल जो लोग हैं इस तरह के शरारती तत्व उनको देखा जा रहा है। एक नंबर भी इन्होंने नोट किया, वो भी वेरीफाई करते हैं। नाम यश रुस्तगी, निवासी मोहल्ला तिवाड़ी चौक का रहने वाला हूँ। सुबह करीब 10:15 से 10:30 बजे के बीच में अपने घर से निकला हूँ और 4 रोड पे कंपनी एरिया में मेरे साथ लूट की वारदात हुई है, जिसमें मेरे 22,000 रुपये और मेरा फ़ोन वो ले गए हैं। 9 बंदे थे, 3 बाइक थी। तो कैसे, क्या मामला हुआ? बस उन्होंने आके, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, उन्होंने आके मेरे आगे 2 बाइक लगाई हैं, एक साइड में लगाई है, मेरे साथ छीना झपटी धक्का मुक्की करी है, फिर एक ने आके मेरे तबंचा लगाया है और पैसे और फ़ोन छीन के ले।